ಬೆಂಡಿನ ಕೊಡ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬೆಂಡಿ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಎಲ್ಲ ಆಳ್ಕಾರ ಬೆಂಡಿನವರೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಡಿ ಬೆಂಡಿನವರೇ ಅಲ್ಲ. गुड मॉर्निंग एवरी वन, कैसे है आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे. अभी इधर टाइम हो गया 6 बजे. आज उंगसी को सुबह सुबह उठकर नहीं पढ़ना है क्योंकि उसको स्कूल में है आज स्पैनिश का एक्स्ट्रा क्लास. डेली वो है ना 5:30 नहीं तो 5:45 के अंदर उठ जाते हैं. आज उसको कब से बुला रहे लेकिन नहीं, उसको नहीं उठना है क्योंकि उसको स्पैनिश है ना बिल्कुल पसंद नहीं है. उसको नहीं जाना है स्पैनिश क्लास में, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि स्पैनिश तो कंपलसरी है पढ़ना. और उसको अभी संतोष जा रहे हैं बुलाने के लिए. कितनी बार जाकर बुला दिया, बाकी कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोलो उसको, वो कभी भी उठकर पढ़ेगा लेकिन स्पैनिश नहीं. उसको सबसे पसंद है मैथ्स. मैथ्स पढ़ने के लिए कभी भी बुला दो वो तैयार हो जाएंगे. जितना मैथ्स पसंद है उतना स्पैनिश को हेट करते हैं, वैसा है. और पता नहीं इधर ना, हाँ उठ गया अभी. आज खुशी को भी है स्विमिंग क्लास, उसको भी 8:30 में पहुंचाना है, इसलिए जल्दी जल्दी सबको रेडी होना है. मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. खुशी को छोड़कर आई, पूरा है ना पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन बाहर एकदम बारिश का मौसम है. आज सुबह है ना इतना भाग दौड़ किया है. क्या हुआ, मैं और खुशी 8:30 के पहले घर से निकल गया था और मैंने खुशी को बोला हम लोग वॉक कर चलते हैं, क्योंकि कल खुशी का क्लास टीचर ने बोला था कुछ स्नैक्स भेज दो क्योंकि स्विमिंग के बाद बच्चे लोग है ना थक जाते हैं. मैं हमेशा ना खुशी के बैग में ये फ्रूट्स रख लेती, आज भी रखा है, लेकिन खुशी मैडम को वो नहीं चाहिए, कुछ और स्नैक्स चाहिए. फिर मैंने बोला ठीक है वॉक करके चलते हैं, अगर रास्ते में कुछ शॉप खुल गया तो उधर से खरीदते हैं. और लेकिन सुबह हम लोग घर से निकल गया तो खुशी मैडम को बस से जाना है. ठीक है बस से चलते हैं, थोड़ा जल्दी पहुंच गया तो अच्छा है, थोड़ा शॉपिंग अच्छे से कर सकते हैं. लेकिन क्या है, बस में चढ़ गया ए स्टॉप के बाद ड्राइवर ने बोला है अभी 2-3 स्टॉप तक बस नहीं रुकेगा क्योंकि रोड सब क्लोज है. एक स्टॉप तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लगा है. फिर हम लोग एक स्टॉप के बाद उधर गया और उधर से हम लोग ऐसा दौड़ लिया और दौड़ दौड़ कर हम लोग स्विमिंग एरिया के उधर पहुंच गया तो देखा सारे बच्चे लोग स्विमिंग पूल के उधर चले गए. फिर लकली खुशी का क्लास टीचर उधर खड़ी थी, फिर मैंने खुशी को उसके पास छोड़कर परेड चली गई. क्योंकि है ना खुशी को ये खरीदने का इच्छा था, ये फ्रूट बार जैसा है ना ये खरीदने का इच्छा था परेड से. ये क्या है, ये मूसली बार है शायद. फिर मैंने सोचा अभी सुबह नहीं खरीद पाए तो शाम को आकर खाएगी. मैंने खुशी के बैग में एक छोटा सा चिप्स का पैकेट रखा है, वो देखकर खुश हो जाएगी. मैंने अपने लिए लंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी बोल दो ये एवोकाडो सैंडविच खरीदा. इसके अंदर ना थोड़ा ड्राई टोमेटो है ना वो भी रखा है, इसलिए खाया तो नहीं, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट है. फिर मैंने उधर से टेस्को गया, टेस्को से ये कुकुम्बर लिया है, ये लेमन लिया है. ये लेने के लिए टेस्को गया क्योंकि डिनर में ये चाहिए था, मुझे डिनर के लिए ये चाहिए. अभी देखा है सुबह का पूरा इधर आयरन किया, सब कुछ फैला हुआ है. अभी थोड़ा समेट कर वैक्यूम सब कर लंच करूँगी, फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग. ठीक है
अभी टाइम हो रहा है 2:40 हो रहा है और मैं ना एक 10 मिनट सो गई थी, अलार्म रखकर 10 मिनट सो गई। वो सोने की वजह से अभी सब थोड़ा हेवी लग रहा है। वो सोने का भी एक रीज़न है, मैं इधर है ना भिंडी वाश करके कट करके रखा है, सोचा वो फ्राई करूँ, उसी के लिए कढ़ाई लिया तो उसका लिड है ना मेरे हाथ से नीचे गिर गया, वो टूट गया। देखो पूरा किचन में वो फैल गया था, वो साफ़ करते करते ही टाइम चले गया। और फिर सोचा अभी नहीं, अभी काम नहीं करूँगी, थोड़ी देर सो जाऊँगी, इसलिए 10 मिनट का अलार्म रखकर सो गई। ज़्यादा सो गया तो ना हेडेक हो जाएंगे। मेरा कैसा ना संडे से एनर्जी लेवल एकदम हाई हो जाता है, संडे क्यों मालूम नहीं, संडे से एकदम एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, लेकिन जैसे ही वीकेंड पास होता है ना एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। आज भी वही हुआ है, सुबह से बहुत टायर्ड लग रहा था, अभी सोने के बाद भी है ना ठीक नहीं है, सोने के बाद और थोड़ा सर भारी भारी लग रहा है, शायद ठीक हो जाएंगे। मैं ना अभी डिनर का तैयारी कर रही हूँ। डिनर में मैं आज बना दूंगी दाल और भिंडी का खिचड़ी। आप लोग सोच रहे ना वो खिचड़ी नहीं है, ये केरला का खिचड़ी है, ये भिंडी और दही डालकर बनाते हैं। अभी इसमें मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट डाल दिया। नॉर्मली हम लोग खिचड़ी बनाते हैं ना उसी में ये टर्मरिक पाउडर और मिर्ची पाउडर नहीं डालते, सिंपल सॉल्ट डालकर ये फ्राई करते हैं। अभी ये फ्राई हो रहे हैं ना तब तक मैं इधर एक कोकोनट का पेस्ट बनाने जा रही हूँ। उसी के लिए मैंने लिया थोड़ा सा जीरा, जीरा नहीं डाला तो भी ठीक है, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और एक ग्रीन चिल्ली, यह थोड़ा बड़ा है। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना दूंगी। अभी अच्छे से पेस्ट हो गया। मैंने कोकोनट इधर एक हाफ कप कोकोनट लिया था, ग्रेटेड कोकोनट लिया था, और दही एक 1.5 कप लिया है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके रखा है और उसमें अभी ये कोकोनट का पेस्ट है ना वो डाल दूंगी। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर, ये ऑप्शन ले, ये आप लोगों को नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते, ये टेस्ट को थोड़ा बैलेंस कर देगा। और अभी इधर मैं तड़का डालने जा रही हूँ और भिंडी इधर फ्राई हो रहा है। और केरला का रेसिपी है तो मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहिए तो सनफ्लावर ऑयल या राइस ब्रांड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल और ओलिव ऑयल इसके लिए अच्छा नहीं होगा। ऑयल गर्म हो गया, उसमें डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स, ये ड्राइड रेड चिल्ली और करी लीव्स। अभी दही और कोकोनट का मिक्सर है ना उसमें तड़का भी हो गया, ये हो गया इधर। अब क्या है ना ये भी देखो फ्राई हो गया, मैंने गैस ऑफ किया है। ये जितना अच्छा क्रिस्पी हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन मैंने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाया। ये है ना अभी मैं कवर करके रखूँगी, जब खाने का टाइम होगा है ना उस समय ये इसमें डाल दूंगी। अभी मैं आपको दिखाने के लिए दिखाती एक बार, थोड़ा सा ही डाल दूंगी, अभी ऐसे डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी और जब खाने के टाइम है ना ऐसे सर्व करूंगी। ये बहुत टेस्टी है, ऐसे ही है ना करेले का खिचड़ी बनाते हैं हम लोग, बीट रूट का खिचड़ी बनाते हैं। आप लोग है ना एक बार ये ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी है ये। Okay, now I'm just glad to come to you. बारिश का दिन में आ गया इधर घर पे मेहमान। I'm almost the camera. इस लग गए और खुशी देखो फोटो खींच रहे उसका। और एक गुड न्यूज है, चुंगसी को है ना कोच बनने का मौका मिल गया। हेलो खुशी, कोच बनने का मौका मिल गया। वो परा वो नहीं बताएगा उसको ना, आज उसका पी टीचर ने बोला है कल शाम को वो स्कूल में एथलेटिक्स ट्रेनिंग देना है छोटे बच्चों को, और ये शायद अभी कल के लिए, लेकिन पहले ही उसका पहले एक बार उसका पी टीचर ने बताया
नेक्स्ट ईयर है ना 10 के एग्जाम के बाद एक महीने के लिए चुंगसी ऐसे ही कोच बनना है और पैसा भी देंगे, और पैसा नहीं मिले तो भी है ना ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोच बनने का मौका मिल गया तो ना एक बहुत बड़ी बात है, उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत खुश है हम लोग। और संतोष को अभी तक नहीं मालूम है, संतोष को मालूम पड़ गया तो ना वो तो एकदम पागल ही हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। अभी संतोष का वेट कर रही हूँ मैं, और चुंगसी जा रही हूँ एथलेटिक्स कोचिंग के लिए। हाँ चुंगसी जा रहे हैं, देखो वो मुझे करेक्ट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ, चुंगसी जा रहे हैं एथलेटिक्स ट्रेनिंग के लिए। इधर डिनर तैयार हो रहे है, सालमन बन रहे है, मैं थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा नींबू डालकर वो फ्राई कर रहे है। और ये दोपहर का ये खिचड़ी इधर है, फिर मैंने बच्चों के लिए थोड़ा इसको क्या बोलूँ, एक का एक तोरन, हम लोग मोटा तोरन बोलते हैं, एक तोरन, इसमें थोड़ा कोकोनट है, ओनियन है, ग्रीन चिली है, वो फिर तड़का दे देते हैं। और दाल बनाया, ये दाल, ये खिचड़ी, ये एग, ये तीनों बच्चों के लिए, मुझे और संतोष के लिए मैंने इधर किनुआ बॉईल करके रखा है, और किनुआ सलाद बना दूंगी और सालमन। आप लोगों ने पूछा है ना संतोष का डाइट क्या है, यही संतोष का डाइटिंग अभी शुरू हो रहा है, ये है किनुआ सलाद बना दूंगी, उसी के लिए मैंने इधर ये कुकुम्बर कट कर रखा है, और अभी ये टमाटर कट करूंगी। दो पिन्ने, अभी संतोष आ गया है, अभी मैं खाना मेरा मजाक बना रहे, संतोष आ गया संतोष आ गया, और मैं उसके लिए सलाद बना रही हूँ। पूरी मिट्टी फूटो में देखो किनवा लिया, और उसमें अभी ये टमाटर डाल दूंगी और कुकुम्बर डाल दूंगी, अभी ये नींबू का जूस डाल दूंगी। ये सलाद का मेन टेस्ट ये ओलिव ऑयल से आता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल है, ये डाल दिया तो ना इसका टेस्ट ही बदल जाता है। ओलिव ऑयल डाल दूंगी, ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। संतोष बोला उसको ग्रीन चिली नहीं चाहिए, इसलिए मैं ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूँ, और उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। फिर अभी ये अच्छे से मिक्स करना है, और इसके ऊपर रखेंगे ये सालमन। तो रेडी हो गया संतोष का डिनर, शानदार। You are interested in something new. I'm going to teach you a trick. A trick. Trick maths. खुशी इधर पढ़ाई कर रही है, अभी खुशी आप लोगों को एक मैजिक ट्रिक दिखा दूंगी, नंबर बोंडिंग का। दिखाएगी? हाँ दिखाएगी, नम्बर वाला। हाँ तो बेसिकली नंबर बॉन्डिंग है ये 100 के लिए, सो दो एक टू डिजिट नंबर अंजू बोलेगी, तो खुशी को ये पता लगाना है कि वो क्या ऐड करे कि टोटल नंबर 100 हो जाए। तो हम ये देखेंगे, ये खुशी करेगी कितना फास्ट, और जब अंजू बोलेगी तब से आपको भी इस समय करना है ये नंबर बॉन्डिंग, और देखना है कि जितने टाइम में खुशी करती है उतने टाइम में आप भी कर पाते हो कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। संतोष इधर नंबर लिख रहे हैं, मधी मधी अत्र मधी, ओके खुशी स्टार्ट। देखा कितना जल्दी खुशी ने फिनिश किया। और मिनट चैट हो ना, अभी खुशी एक्सप्लेन करेगी उसको ये आंसर कितना जल्दी कैसे मिल गया। All from 9 and last from 10,
You see the first number of the two-digit number, and that's all from 9. So you have to see what is closer to 9. And what four, makes it 9? Yeah, 4 plus 5 equals 9. And then you go, and then the second number is last from 10. So you see what makes it to 10. 6 plus 4 equals 10, so it's 54. ठीक है अभी संतोष अच्छे से समझाएंगे अच्छे से समझाएगा आई एम टू स्टेल इन हिंदी ओके तो इसमें ये करना है कि 46 है उसने लिया है तो 46 में जो है लास्ट नंबर इस हमको उसका 10 के साथ में पेयर ढूंढना है और उससे पहले जो भी नंबर होंगे उसको 9 के पेयर ढूंढना है तो 4 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा और 6 में जो कि लास्ट नंबर है उसमें क्या जोड़ें कि 10 बन जाए तो 6 में 10 4 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा तो इससे 54 मिल गया तो 46 प्लस 54 विल बिकम 100 तो ये एक बहुत पुराना वैदिक मैथमेटिक्स का टेक्निक है तो वो जो खुशी को सिखाया तो उसने आज तुरंत ही सीख लिया और बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी कर लिया उसने तो अब यह है कि वो हमेशा याद रखे और करेक्ट करे हमेशा स्कूल में है ना यू विल डू इट राइट आप लोगों को शायद ये ट्रिक्स मालूम होगा फिर भी हम लोगों ने सोचा मेरी है ना बहुत सारे व्यूअर्स है उनका बैचलर खुशी का एज का है इसलिए मैंने सोचा ये ट्रिक आपके साथ भी शेयर करूं शायद आप लोगों को यूजफुल हो गया शायद आप लोगों को यूजफुल होगा हाँ शायद आप लोगों को यूजफुल होगा अगर यूजफुल हो गया तो कमेंट सेक्शन में लिखना ठीक है आज है ना मैं वीडियो में भिंडी बोल दिया भिंडी को संतोष मुझे करके कर दिया जब मैं वीडियो एडिट कर रहे तो भिंडी नहीं भिंडी सॉरी मेरा ना इतना हिंदी में प्रॉब्लम हो जाता है और अभी हम लोग सोने जा रहे हैं संतोष है ना एक बुक खुशी को रीड करके दे रहे हैं ये है आर के नारायण का मालगुड़ी ओपनिबस बहुत अच्छा बुक है आप लोग भी इन्हें बैचलर के लिए खरीदो 3 स्टोरीज है इसमें बहुत अच्छा बुक है ठीक है मेरा ब्लॉग मैं इधर फिनिश करने जा रही हूँ अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना भूलें नहीं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना भूलना नहीं मिलते एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय गुड नाइट गुड नाइट थ्रो ऑल दोस बिट्स ऑन फ्लोर आई सिंपली कांट स्वीप द फ्लोर एनी मोर शी सेड डोंट थ्रो ऑल दिस ऑल दोस बिट्स ऑन द फ्लोर आई सिंपली कांट स्वीप द फ्लोर एनी मोर